डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग फिजिक्स के एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास तक के दृष्टिदोष के बारे में पढ़ रहा था। हम जानते हैं कि दृष्टिदोष तीन प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टिदोष, दूर दृष्टिदोष और जरा दृष्टिदोष। और तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर निकट दृष्टिदोष क्या होता है, उसमें लोगों को जो पीड़ित व्यक्ति है जिसको निकट दृष्टिदोष होता है उसको क्या प्रॉब्लम होने लगता है और उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से फिर हम लोग दूर दृष्टिदोष के बारे में पढ़ा कि आखिर दूर दृष्टिदोष क्या होता है, उसका उपचार क्या है, और अगर दोनों दोष जिस व्यक्ति को होता है उसको बोला जाता है जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष के बारे में भी हम लोग पढ़े कि इसमें द्विफोकसी लेंस का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी के बीच में कुछ प्रश्न उत्तर भी मिलते हैं, तो चलिए उन प्रश्नों को किया जाए, क्योंकि सभी चीज़ों को करते रहने से सीरियली वाइज हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो बीच में के जो प्रश्न होते हैं, चलिए उन प्रश्नों को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बीच में का प्रश्न है, आप देख लीजिएगा कहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन यही है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग समंजन क्षमता के बारे में पढ़े हैं कि आखिर नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। देख लो, हम लोग पढ़े भी थे पहले कि नेत्र का समंजन क्षमता वह क्षमता है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को अपने आप सेटल किया जा सकता है। यानी कि कोई भी मानव का नेत्र जो है उसका समंजन क्षमता का मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप किसी मतलब दूर की वस्तु को देखते हैं तो अपने आप वहाँ पे फैल जाएगा, लेंस में फैलाव हो जाएगा। लेकिन आप नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो वो ऑटोमेटिक सिकुड़ जाएगा। तो ये जो गुण है वो उसी गुण को समंजन क्षमता के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली जो नेत्र लेंस होते हैं उसकी वह क्षमता जिसके कारण अपना फोकस दूरी को बदलते रहता है उसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। तो चलिए पहला का जो अभी क्वेश्चन लिखें उसका उत्तर लिखा जाए। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे समंजन क्षमता कहते हैं, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। तो टू में सबसे पहले क्वेश्चन क्या है उन क्वेश्चंस को नोट कर लिया जाए। अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप बुक से भी क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं और फिर आंसर को आप समझ के आप उसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू लिखा जाए, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है, सुस्पष्ट नहीं देख सकता है, इस दोष को दूर करने के लिए
संशोधक लेंस, प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए। चलिए, आपको सवाल को अच्छे से समझना चाहिए कि क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है भैया, उसको हुआ है निकट दृष्टि दोष। उसको क्या हुआ है, कौन सा रोग, कौन सा बीमारी, तो निकट दृष्टि दोष हुआ है। और निकट दृष्टि दोष में हुआ तो जरूर है, लेकिन वह कितना से ज़्यादा नहीं देख पा रहा है, तो 1.2 मीटर से ज़्यादा जो है वो नहीं देख पाता है। ऐसा नहीं बोल रहे कि देख ही नहीं पा रहा है, अंधा आदमी है, सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी कि साफ साफ नहीं देख पाता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए सवाल बोल रहा है कि कौन सा लेंस जो है व्यवहार करना चाहिए, उसको उपयोग करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष में कौन सी होता है। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि जो वह व्यक्ति जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है वो निकट की वस्तु को साफ साफ देख लेता है, ठीक ना, लेकिन दूर रखी वस्तु को उस साफ जो है नहीं देख सकता है। और निकट की वस्तु को साफ साफ देखता है, इसका मतलब आपको हम बताए हैं कि निकट बिंदु कितना होता है, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का जो आँख है वो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिए, और दूर बिंदु तो अनंत होता है, ठीक है, यानी कि वो अनंत तक देख सकता है। लेकिन सवाल यहाँ ये बोल रहा है कि 1.2 मीटर तक के तो देखता है, लेकिन 1.2 से ज़्यादा नहीं देखता है, कौनची में ही है, मीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, तो 100 से कौनची करेंगे, गुना, तो 100 से गुना करेंगे तो 120 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तो हमको तो 25 सेंटीमीटर तो दिख ही रहा है, यानी कि वो जो व्यक्ति है वो 120 सेंटीमीटर तक देखता है, लेकिन जैसे ही 121 होता है वो साफ साफ नहीं देखता है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि उसको दूर में प्रॉब्लम है, दूर रखा साफ साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि नज़दीक तक को 25 सेंटीमीटर 26 27 ये सब तो दिख ही रहा है, लेकिन वो कहाँ के नहीं देख पा रहा है, तो दूर रखी वस्तु को नहीं देख पा रहा है और निकट को देख पा रहा है, क्योंकि वो मीटर था सेंटीमीटर में बदल दिए, तो दूर में प्रॉब्लम है। और जब दूर में प्रॉब्लम है तो ये तो निकट दृष्टि दोष होता है, और निकट दृष्टि दोष में हम जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को हुआ है वो आखिर ठीक कैसे होगा, है ना। तो ठीक करने के लिए इसको उपाय है एक ही गो कि उसको चश्मा लगाना पड़ेगा भैया, और चश्मा का नाम है अवतल लेंस, ध्यान दीजिएगा, उसका नाम क्या है, अवतल लेंस। तो चलिए इसका आंसर लिखा जाए, अब उत्तर में लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी, 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता, कॉमा, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार करना चाहिए, अवतल लेंस का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, क्योंकि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु को सुस्पष्ट देख पाता है, किंतु निकट की वस्तु को सुस्पष्ट देख पाता है किंतु दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है, सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हम लोगों को कंप्लीट हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3।
अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। चलिए लिखा जाए पहले क्वेश्चन। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए, मानव नेत्र के लिए की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु, दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होता है? नेत्र से कितनी दूरी पर होता है? चलिए क्वेश्चन समझिए अच्छे से। क्या बोल रहा है कि मानव नेत्र की जो सामान्य दृष्टि है ना, सामान्य दृष्टि का मतलब जनरल, उसके लिए बोल रहा है कि दूर बिंदु कितना होता है और निकट बिंदु कितना होता है ये बताना है। हम आपको कई बार ये बात बता चुके हैं कि मानव नेत्र के लिए जो दूर बिंदु है वो अनंत होता है, यानी कि हमारा आँख जो है अनंत तक देखने के लिए सहायक है। इसलिए ना अनंत पे है सूर्य, अनंत पे है तारे, अनंत पे है चंद्रमा, इसको हम लोग क्लियर देख पाते हैं क्योंकि वो सब सारे कहाँ हैं, अनंत पे हैं। अब रहा बात कि नज़दीक कितना देख सकते हैं, निकट बिंदु क्या है, तो हम ये भी चर्चा किए हैं कि निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर है। अब आँख के एकदम नज़दीक सटा कर अगर किताब को देखिएगा तो उसमें छपा जो अक्षर है वो आपको धुंधला नज़र दिखाई देगा, धुंधला नज़र आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि निकट बिंदु कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, और दूर कितना होना चाहिए, तो अनंत। तो यहाँ पे सवाल वही बोल रहा है कि मानव नेत्र का जो सामान्य दृष्टि है उसके लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु दोनों बताना है। तो चलिए आंसर लिख लीजिए। आंसर लिखा जाए उत्तर, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोगों का क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर देखते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, स्टार्ट करेंगे लिखना क्वेश्चन। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट पढ़ने में कठिनाई होती है, श्यामपट पढ़ने में कठिनाई होती है, पूर्ण विराम, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और इसे किस प्रकार, और इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, और इसे किस प्रकार संशोधित किया जाता है। देखिए सवाल क्या बोल रहे हैं कि किसी वर्ग में जो है एक विद्यार्थी जो है पीछे बैठता है, यानी कि ये मान लिया कि वर्ग है, क्लासरूम है, और एक विद्यार्थी जो है सबसे पीछे वाला बेंच पर बैठता है, ठीक है, और यहाँ पे श्यामपट लगा हुआ है। श्यामपट का मतलब, श्यामपट का मतलब ब्लैक बोर्ड, ठीक है, जहाँ पे सर लिखते हैं वो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड बोलिए, यानी कि बोर्ड है। अब उस पीछे वाला विद्यार्थी को क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि बोर्ड जो है साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है। बोर्ड तो नज़र आ रहा है, मतलब कि उस पर जो लिखा जा रहा है ना, सर लिख रहे हैं या मैम लिख रही है, वो साफ साफ क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक
ठीक है, तो सवाल क्या बोल रहे हैं कि जब उस पर लिखा हुआ अक्षर उसको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बताइए कि उसको कौन सा दोष हुआ है, ठीक है, और जो दोष हुआ है इसको किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, मतलब ठीक कैसे होगा, ये दोनों सवाल का बताना है। तो समझो तुम कि मान लिया कि पीछे बेंच में जो लड़का बैठा है इसका मतलब क्लियर है कि दूर वाले में प्रॉब्लम है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर तो इससे यही ना होगा, 25 सेंटीमीटर तो एक छोटा दूरी है, उसको तो क्लियर देख पा रहा है, लेकिन दूर की वस्तु में प्रॉब्लम है, यानी कि दूर जब देख रहा है अपने से तब उसको क्लियर नजर नहीं आ रहा है। तो आप बताओ कि निकट का साफ साफ दिखता है लेकिन दूर का साफ साफ नहीं दिखता है, तो कौन सा दोष कहलाता है, यही तो समझना है। तो इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष, और इसको किस कैसे संशोधित कर सकते हैं, तो इसको संशोधित करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए उपाय है चश्मा लगाना, और चश्मा का नाम है अवतल लेंस। याद रख लो कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस चाहिए, और जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसी लेंस का व्यवहार करना चाहिए। जरा वाला में क्या होता है, एक ही गो चश्मा रहेगा, ओकरा में दो गो लगावल रहेगा, ऊपर रहता है अवतल और नीचे रहता है उत्तल, इसके बारे में हम लोग पढ़े। तो चलिए इसका आंसर लिखा जाए, आंसर लिखते वक्त चलिए लिखेंगे कुछ आंसर। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट पढ़ने में कठिनाई होती है तो यह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, यह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और इसे संशोधित करने हेतु अवतल लेंस का व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों का ये प्रश्न चार ही ठो था और चारों का चारों क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।